नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत उनियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ी डेरा चैनल को। सो भूकानून रैली के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं नई टिहरी और उद्यान विभाग की तरफ से हम लोगों को इनवाइट है और हम लोगों को वहां पे इवेंट में जाना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मशरूम की सप्लाई देंगे। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए जी, ये सुबह हमारा ये भूसा वगैरह भी निकल आया है और आज इसके भी लगभग लगभग 100 बैग्स बनाने वाले हैं हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं आज नई टिहरी और उनकी एक दिन की विजिट है, उनके पहले कुछ प्रोग्राम्स हैं। सो मुझे जाना है प्रताप इंटर कॉलेज नई टिहरी में और वहाँ पे अपना इवेंट होगा, तो वहाँ जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कैसा वो इवेंट होने वाला है। सो क्योंकि आज थोड़ा फॉर्मल इवेंट है तो फॉर्मल कपड़े पहन के मैं जा रहा हूँ। और इसके अलावा जो मैंने आज व्लॉग डाला है, माफ़ कीजिएगा, कल जो मैंने आपके लिए ब्लॉग डाला है उसमें आप देखिएगा भू कानून के लिए हमारा समर्थन है। और मैं चाहता हूँ जितने भी युवा, जितने भी लोग उत्तराखंड से प्यार करते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं या उत्तराखंड से बाहर अपने रोजगार के लिए गए हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा भू कानून और मूल निवास का समर्थन करें। यदि आप डायरेक्टली ऐसी रैली में नहीं पहुँच पाते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप ज़रूर एक मुहिम चलाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस कानून का समर्थन करें। ये देखिए जी, लाली भी आ गई है सुबह सुबह। अब लाली को, जब से लाली ने एक चूहा मारा है प्लांट में, तब से वो हमारे साथ थोड़ा फ्रेंडली हो गई। तो ये हैं जी मशरूम्स हमारे पास, 3-4 बैग हैं हमारे पास और ये अलग अलग जगह हम सप्लाई देंगे और उसके बाद मैं इवेंट में जाऊंगा। अब ये है जी हमारा एक सब्सक्राइबर। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है भाई? रुद्र। रुद्र, और चैनल का नाम क्या है हमारे? पहाड़ी डेरा। पहाड़ी डेरा वीडियोस देखते हो तुम? तो ये देखता रहता है सारी वीडियोस और वैसे ही दिल्ली रहता है। और प्रदीप है, धीरज है, उनकी बहन का बेटा है ये, वैसे तो ये हमारा भाई हुआ क्योंकि कविता जिसका बेटा है इसको पता नहीं ये कह रहा है भाई नहीं भांजा क्या, लेकिन है ये मेरा भाई क्योंकि इसकी मम्मी को मैं बुआ बोलता हूँ, तो ऐसा है। और अभी कह रहा था, जैसे हम लोग इस रास्ते से आ रहे थे तो कह रहा था कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। अब आ गए हैं जी प्रिंस रावत भी तो जी इसी के साथ मैं पहुंच गया इवेंट में और इवेंट में जाते जाते आप देखते तो बहुत सारे लोग वहां पे आए हुए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग गाड़ी भी नहीं ले जा पाए इवेंट के नज़दीक, तो इसलिए कम से कम 2-2.5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले और फिर जाते जाते हम लोग फाइनली इवेंट में पहुंचे। और इवेंट मैंने आपको बताया कि ये था PIC जो प्रताप इंटर कॉलेज है बराड़ी नई टिहरी में, वहाँ पर था और ये इसका मेन गेट था जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया। इसी ग्राउंड में वो पूरा का पूरा इवेंट था। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ स्कूल के बच्चे थे, बाकी जितने भी लोग थे मुख्यमंत्री सुबोध उनियाल जी और प्रेमचंद अग्रवाल को देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे किसी ने ये विज़न 2047 का कोई बोर्ड था जिसमें मॉडल दिखाया हुआ था कि उत्तराखंड को सोलर एनर्जी के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों ने अपने मॉडल लगाए हुए थे। यहाँ पे ये जांदरी भी थी जिसमें कि दाल पीसी जाती है हमारे यहाँ पे, और ये अलग अलग मॉडल अलग अलग जगह के लगे हुए थे। अब जी पूरे इवेंट में घूमने के बाद लास्ट में हमने मिलेट का एक स्टॉल देखा जिसमें उत्तराखंड में उगाए जाने वाले सारे मिलेट दिखाए हुए थे। और उसके बाद बोराड़ी के शानदार नज़ारे देखने के बाद मैं वापस इवेंट से घर आ गया। एक नई सुबह की शुरुआत, आज सुबह सुबह आशा ने मुझे चाय बना के दी थी और क्योंकि मैं लगभग 5 बजे से उठा हुआ हूँ और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लगभग अभी 5:15 हो रहे, 15 मिनट ही हुए, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आजकल मशरूम का प्रोडक्शन बढ़िया है और उसके साथ साथ मुझे सुबह उठ के ये ड्यूटी मेरे पास साइंड है कि मेरे को मशरूम
हार्वेस्ट करना होता है सुबह सुबह, तो उसके बाद बाकी लोग आते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग सॉर्टिंग वगैरह होके पैकेजिंग वगैरह होती है, फिर वो मार्केट में जाता है। तो वही चल रहा है। बाकी अभी बाहर अंधेरा है, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि आज कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मशरूम है, कैसे मैं तोड़ने वाला हूँ। अब जी हल्की हल्की रात खुलनी शुरू हो गई, और आजकल भाई ने ये पेड़ की भी टहनियाँ काट दी हैं, क्योंकि इस साल इस पर अमरूद अच्छा आया नहीं। सो अब शुरुआत है प्लांट में जाने की। मशरूम वगैरह का काम निपटाने के बाद मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा प्रिंस के पास। वो अपनी कोई आगे कोई पोस्ट है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, और वो भी जितना मेरे को पता है शायद आबकारी विभाग में कोई पोस्ट आएगी, उसके लिए तैयारी कर रहा है। तो उसमें फिजिकल पहले है, तो वो फिजिकल की तैयारी कर रहा है। और बाकी आज तो जितना भी मशरूम था वो भाई और पवन लेके चले गए, मुन्ना लेके चले गए मार्केट, और मैं आज घर पे हूँ। तो मुझे आज घर के काम करने, घर के काम आई मीन कि ये मशरूम फार्म से रिलेटेड काम करने। तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कहीं पे ये प्रिंस अपनी तैयारी कर रहा है। अब यहाँ देखिए जी, कोच बिल्कुल एकदम से बढ़िया हाई जंप के लिए तैयारी करवाते हुए, और अभी डाल रहे हैं चूना लाइन वाइन बनाने के लिए। रावत जी बताइए किस चीज की तैयारी करवा रहे हैं आप? ये हम लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली। तो अभी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है इनकी? परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है इनकी, इसके लिए हमने ये जो होती है पहाड़ी, क्या कहते थे, पहाड़ी जुगाड़। तो कैसे कैसे बनाया? ये हमने एक आगे रस्सी बांधी हुई है, ठीक है, ताकि जैसे कि जैसे हमारा एरोप्लेन उड़ता है तो वो क्या करता है, हाइट एलिवेशन चाहिए उसके लिए। जी, जी। स्टार्टिंग में ही एलिवेशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हमने क्या किया था कि सबसे स्टार्टिंग में ये लगाया था, लेकिन एलिवेशन ज्यादा होने पे वो ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो रही थी। अब हमने ये कम से कम 10-11 फीट में हमने लगा दिया। तो जो ये है हमारा जो ये बालक है प्रिंस रावत, तो 14 से आगे पहुंच ही रहा, 14 फीट से आगे पहुंच ही रहा है। तो टारगेट क्या है रावत? टारगेट है अभी हम 17 तक, टारगेट तक पहुंचाना आज का हम जो है कि 17 तक हमने क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक जी जी, आज फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे। तो आज गए नहीं? गए ना, ये गए कर जा पंडित जी होते हैं, शास्त्र चरित्र पढ़ सबरी चरित्र काक बसंदी चरित्र, क्या मन आनंद आनंदित भरपूर। तो जी चल रहा है अभी प्लांट का काम, और मैंने आपको बताया था कि मैं आज घर ही हूँ। मेरा आज प्राइमरी काम ये था भूसे को सुखाना, तो इसमें लगभग हर 5-10 मिनट के बाद पलटा मारना पड़ता है ताकि ये सूख जाए टाइम से, इसकी सारा मतलब इक्वली सूखे ये बढ़िया ढंग से, और वो काम कर रहा हूँ। उसके अलावा जिस टैंक से हम लोगों ने आज भूसा निकाला उसी में, ये आप देख सकते हैं अभी पानी भरा जा रहा है, थोड़ा सा ही बचा हुआ, फिर उसमें ये जैसे 2 बेल्स हैं इनको भिगाया जाता है, इनको पाश्चराइज किया जाता है इसी टैंक के अंदर, और फिर ये प्रोसेस हमारा डेली का चलता रहता है। देखिए जी, पहाड़ों में सर्दियों का मज़ा ऐसे ही है कि सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन दिन में आप देखेंगे बढ़िया धूप खिलती है, और आसमान भी एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा,
बिल्कुल नीला, और उसकी वजह से ये होता है कि दिन में आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप धूप में तो आपको अच्छी खासी मतलब गर्मी लगती है, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आप सर्दियों में पहाड़ों में धूप का बेशक बढ़िया ढंग से आनंद ले सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कोई कमी है तो उसको भी पूरा कर सकते हैं।